guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Swati and today's video is all about compact powder versus loose powder. I have seen a lot of people saying what is the difference between compact powder and loose powder. So today I'll be talking about this topic, and yes, if you find this video helpful and if you think it might be helpful for you, then you should definitely keep on watching. But before that, please make sure you have subscribed to my channel. And yeah, do not forget to hit that notification bell right next to the subscribe button so you guys will be notified every single time I will upload a new video. So yeah, let's quickly dive into the video. Now first, let me clear this guys. Compact powder, face powder or press powders, इसी को कहते हैं. एक ही चीज है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं. तो यस, दिस इज हाउ कॉम्पैक्ट पाउडर लुक्स लाइक. कॉम्पैक्ट पाउडर और मैं कहूंगी प्रेस पाउडर मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला मेकअप प्रोडक्ट होता है. और सिंस इट कम्स इन दिस सॉलिड ब्लॉक फॉर्म, तो आप इसको कहीं पे भी इजीली कैरी करके लेकर जा सकते हो. दिस कॉम्पैक्ट पाउडर कम्स विद अ कुशन इटसेल्फ, जिसके हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे पाउडर लगा सकते हो, अपने फेस को सेट कर सकते हो. However, I use my makeup brush क्योंकि उससे मुझे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग मिलती है. You can use it too अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो. कॉम्पैक्ट पाउडर लाइट वेट होते हैं और इनका जो टेक्सचर होता है वो पाउडरी होता है. सिंस ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट स्टिल इट गिव यू वेरी नाइस कवरेज. इसका बेसिकली यूज किया जाता है फाउंडेशन को सेट करने के लिए, या फिर अगर आप कहीं पर गए हो और आपने मेकअप किया हुआ है तो आप अपने फेस को टचअप कर सकते हो. और अगर आप अगर आपने कोई फाउंडेशन या फिर कोई भी क्रीम नहीं लगाई है तब भी आप इसको अपने पूरे फेस पर लगा सकते हो एक इवन सा स्किन टोन पाने के लिए. काफी मिनिमल सी कवरेज आपको मिल जाती है. ऑल्सो स्टे भी करता है और आप अपने मेकअप को बीच बीच में टचअप भी कर सकते हो इसकी हेल्प से. सो या, दिस इज वॉट कॉम्पैक्ट पाउडर और प्रेस पाउडर और अ फेस पाउडर डू. Now I will be talking about a loose powder. Now this is a loose powder and wait, let me show you the texture. तो इस तरीके का इसका पाउडरी बिल्कुल फाइनली मिलसा टेक्सचर होता है, बिल्कुल एकदम पाउडर की तरह. अगर आपने आज से पहले कभी भी लूज पाउडर यूज नहीं किया है तभी इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा मैसी हो सकता है आपके लिए. तो इसको यूज करने के लिए आप कबूकी ब्रश ले सकते हो, उसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपना मेकअप स्पॉन्ज, जो ड्राई मेकअप स्पॉन्ज होता है, उसकी हेल्प से भी इसको अपने फेस पर लगा सकते हो अपनी स्किन. लूज पाउडर बेसिकली यूज किया जाता है कंसीलर को बेक करने के लिए. आपने बेकिंग टर्म बहुत सुना होगा मेकअप में, कुकिंग में तो सुना ही होगा, बट मेकअप में भी बेकिंग होता है. और जब भी आप अपने फेस पे कंसीलर लगाते हो अंडर आईज पे अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए या फिर अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, तब भी लूज पाउडर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि कंसीलर क्रीज ना हो, आपकी जो अंडर आईज के नीचे फाइन लाइन्स हैं वो उतनी ज्यादा विजिबल ना हो, तो काफी लंबे समय के लिए सेट कर देता है और एकदम फ्लॉलेस सी फिनिश आपको मिलती है. अभी मैं आपको बता दूं, इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि इट कंटेन्स ऑयल इन इट. और ये जो लूज पाउडर्स होते हैं, बिकॉज इसमें कोई ऑयल नहीं है, कम्प्लीटली पाउडरी टेक्सचर है, ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देते हैं, बट लूज पाउडर्स आपको मीडियम कवरेज देते हैं. ऑल्सो ये बेस्ट होते हैं ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए और लूज पाउडर बेस्ट रहते हैं ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए. आपको एकदम वेलवेटी मैट सी फिनिश देता है, जबकि लूज पाउडर से अगर आप अपना फेस सेट करते हो तो एकदम बहुत ही प्यारी सी एयर ब्रश जैसी आपको फिनिशिंग मिलती है. नाउ ये जो होते हैं इनको आप कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हो, बहुत ईजी पड़ता है. बैग में लेकर जाओगे, डैमेज होने का खतरा नहीं रहता, कुछ नहीं होता. बट यू कैन नॉट कैरी लूज पाउडर इन योर बैग, आपको किसी प्लास्टिक के कंटेनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ना एकदम से सारा निकल जाएगा और पूरा आपका जो भी पाउच है या जो भी आपने मेकअप बैग कैरी किया है वो मैसी हो सकता है. तो सबसे पहले जो कॉम्पैक्ट पाउडर मेरे पास है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी लैक्मे का. ये मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, काफी अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर है, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग है. सबसे अच्छी चीज कि इसमें आपको SPF मिलता है, तो आपको ये सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही एक बहुत अच्छी सी इवन सी फिनिश देगा. और जो दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास वो है ये माई ग्लैम का लिट रेडिएंट मैट कॉम्पैक्ट. इसका शेड है सर्विंग फेस और इसका प्राइस है 495. आई डोंट नो द शेड रेंज, आई विल मेंशन राइट हियर, यू कैन चेक दैट आउट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ऑल्सो इट कम्स विद अ कुशन एंड अ मिरर, जैसे कि सारे कॉम्पैक्ट्स में आता है. और ये रही इसकी कवरेज एंड यू कैन सी. साथ ही ये है माई ग्लैम का पोज HD बनाना पाउडर. बेसिकली आपने देखा होगा बनाना पाउडर्स जो होते हैं वो आपको लूज फॉर्म में मिलते हैं, लूज पाउडर की तरह मिलते हैं, बट ये माई ग्लैम का जो पाउडर है बनाना पाउडर, ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है. एंड वेट, लेट मी शो यू.
दिस इज हाउ इट लुक्स. ये परफेक्ट शेड है मीडियम स्किन टोन के लिए एंड ये बहुत ही अच्छे से सेट करता है कंसीलर को. ऑल दो इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म बट बहुत ही प्यारी कवरेज देता है ये. यू कैन सी द कवरेज, इट्स ऑसम. बट इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय दिस और दिस, लाइक कोई भी अगर आप इसमें से लेना चाहते हो, यूज माई कोड, आपको 70% तक का ऑफ मिल जाएगा. तो गाइज डोंट मिस दिस चांस बिकॉज दिट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. इसका एक्चुअल प्राइस है 699. बट एज आई टोल्ड यू, अगर आप ये मेरा कोड यूज करके इसको ऑर्डर करते हो तो आपको आई गेस ये 200 समथिंग में मिलेगा. मतलब 700 का प्रोडक्ट जस्ट 200 में. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट लूज पाउडर. लूज पाउडर्स में आपने देखा होगा काफी तरीके के पाउडर आते हैं. ट्रांसल्यूसेंट होता है और बनाना पाउडर होता है. कुछ होते हैं जो हमारे स्किन टोन से मैच करते हैं. तो मैं आपको पहले बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस. ट्रांसल्यूसेंट जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं. और मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इफ यू आर फेयर देन यू कैन यूज ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. बट इफ यू हैव मीडियम टू डस्की स्किन टोन, प्लीज डू नॉट बाय ट्रांसल्यूसेंट पाउडर फॉर योर सेल्फ. नाउ द वन एंड ओनली ट्रांसल्यूसेंट पाउडर आई हैव इज शुगर ट्रांसल्यूसेंट ऑल सेट टू गो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. दिस इज हाउ इट लुक्स. और आई यूज दिस समटाइम्स टू यू नो बेक माई अंडर आईज. बट आई मोस्टली यूज दिस ट्रांसल्यूसेंट पाउडर टू सेट माई फेस. जब भी मैं फेस आर्ट करती हूँ तो ये बहुत अच्छे से जो भी पेंट, फेस पेंट मैं अपने फेस पर लगाती हूँ उसको सेट कर देता है. अच्छा है, काफी अच्छा है. बट आई मस्ट से कि ये मीडियम स्किन टोन के लिए उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा. तो दिस इज हाउ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लुक्स. ये बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर. इस तरीके की कवरेज होती है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर की. और या बहुत, अगर आपका फेयर कलर है यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. यू शुड गो फॉर अ लूज पाउडर और अ बनाना पाउडर फॉर योरसेल्फ इफ यू हैव मीडियम टू डस्की स्किन टोन. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चीपेस्ट लूज पाउडर आई हैव. दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवंस एंड दिस इज देयर सफायर मेकअप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. इन्होंने इसका नाम ट्रांसल्यूसेंट रखा है बट दिस इज नॉट अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. ये जो है मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ पाउडर है. इसका शेड है नेचुरल और मैं आपको इसका शेड दिखाई देती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ये थोड़ा सा येलो टोन है और मैं इसको यूज करती हूँ अपने अंडर आईज को सेट करने के लिए समटाइम्स. तो यस, काफी अफोर्डेबल है. और आपको मैं बोलूंगी इफ यू आर बिगनर, ज्यादा महंगा नहीं लेना चाहते हो, गो फॉर दिस वन. और जो दूसरा मैं बताने जा रही हूँ या फिर आप इसे परचेज कर सकते हो, ये है मार्स का ट्रेंड सेटर सेटिंग पाउडर इन द शेड बनाना. और ये भी एक लूज पाउडर है मार्स का. इसका प्राइस है 229. और अगर आप इसको किसी सेल में या डिस्काउंट में लेते हो आपको ये थोड़ा कम में पड़ जाएगा. बट इट वर्क्स सेम लाइक यू नो मेबिलीन फिट मी वन इट एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फाइनली मेल्ट है और बहुत ही अच्छे से आपका सेट करता है कंसीलर को. सी, ये बिल्कुल मेबिलीन का जो लूज पाउडर है उसकी तरह काम करता है. एंड आई जस्ट लव दिस वन. आई एम टोटली सरप्राइज्ड बाय द वे, बिकॉज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे. बट मुझे जब पीआर में रिसीव हुआ, मैंने इसको यूज किया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज रियली नाइस. और मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप थोड़ा सा आपका ज्यादा बजट हो तो इसकी जगह आप ये वाला ले सकते हो. बाकी दोनों ही अच्छा काम करते हैं, अफोर्डेबल हैं और यस बिगिनर फ्रेंडली, आपको इजीली मिल जाएंगे. सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लूज पाउडर आई हैव इज फ्रॉम मेबिलीन. दिस इज देयर मेबिलीन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर. कल्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर ड्रग स्टोर, लाइक इतने सारे लोगों को मैंने इसे यूज करते हुए देखा. आई वॉज डाइंग टू ट्राई दिस वन फॉर माई सेल्फ और मैंने इसको लिया. एंड ओ माई गॉड ब्यूटिफुल, इट्स सुपर, इट्स अमेजिंग. इससे जब भी मैं अपना कंसीलर यू नो सेट करती हूँ माई फेस लुक्स फ्लॉलेस. ये शेड एग्जैक्ट शेड है मेरे स्किन का, यू कैन सी. और बहुत ही अच्छी सी इसकी फिनिशिंग, यू कैन सी ये दोनों का सेम सा ही लग रहा है टेक्स्चर जो है. बट या दिस इज क्वाइट नाइस. और इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकियों के मुकाबले. आई गेस कॉस्ट रुपीज, आई एम नॉट श्योर, आई मेंशन राइट हियर बिकॉज इस पे मेंशन नहीं है. काफी अच्छी सी फिनिशिंग मिलती है. मेरा कंसीलर एकदम से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं होती है. मेरी अंडर आईज बहुत ज्यादा देर तक स्टे करता है. एंड यू कैन सी मैंने आज अपने जो आईज को सेट करने के लिए लूज पाउडर यूज किया था, सेम यूज किया था. और
बहुत बहुत अच्छी सी फिनिशिंग मुझे मिली हुई है. आई एम जस्ट लविंग माई बेस राइट नाउ. आज के वीडियो में मुझे किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी कॉन नजर नहीं आया क्योंकि मुझे सारे ही पसंद है. आई यूज बोथ एक्चुअली. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको लूज पाउडर रिकमेंड करूंगी या फिर एक कॉम्पैक्ट पाउडर, तो आई वुड टेल यू कि आप दोनों ले लो. आपको लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने फेस को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप लूज पाउडर को अपने पूरे फेस पर लगाते हो ब्रश से भी या कुशन से भी, तो पैचेस पड़ जाएंगे आपके फेस पर. उसे अवॉइड करने के लिए यू शुड डेफिनेटली यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैं करती हूँ. एंड यस, अपने जो भी अपने कंसीलर हैं उन सबको सेट करने के लिए आपको एक लूज पाउडर की जरूरत होती ही है. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यस, देन डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो फॉर मोर मेकअप रिलेटेड कॉन्टेंट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई इंस्टा हैंडल इज @gamblesvati. सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.